हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम टू सोलो ट्रैवल पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दोस्तों इस व्लॉग में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ हरी के द्वार, हरिद्वार, माँ गंगा के द्वार हरिद्वार, महादेव के द्वार हरिद्वार। और ये सफ़र मैं करने वाला हूँ दिल्ली से हरिद्वार का बाय ट्रेन का, जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेगी, कौन कौन सी ट्रेनें यहाँ से चलती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहीं से अपनी ट्रेन है शाम को 6 बजे। चलिए लेके चलता आगे, आपको दिखाता हूँ। तो ये सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का बाहर से, और ये जगमगाती हुई रेड वाइट बिल्डिंग, ये सामने देख रहे हैं आप दिल्ली जंक्शन, और ये पूरा आप देख रहे हैं बाहर का नज़ारा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच के आ सकते हैं। यहाँ पर पहुंचने के लिए जो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, जो कि पड़ेगा आपका येलो लाइन पे, उसके गेट नंबर 3 से बाहर एग्जिट करेंगे और एग्जिट करते ही आपको टिकट काउंटर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ वेटिंग हॉल मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपनी टिकट बुक करा के ईजिली अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है आप ऑटो टैक्सी, आप ईजिली पहुँच सकते हैं दिल्ली में कहीं से भी, और बसेज भी आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ अंदर की ओर और अंदर दिखाता हूँ, अंदर चल के आपको सारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जिस ट्रेन से मैं सफ़र करने वाला हूँ। लेके चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ आपको। और अंदर आते ही आपको देखेगा स्कील व्हील झील, मोदी जी, और साथ में देख रहे आप और सामने आपको वेलकम स्वागतम दिल्ली जंक्शन, और ये रहा सामने जहाँ से मैंने एंट्री करी अंदर की ओर। और ये देख रहे हैं आप प्रीमियम लॉज, जहाँ पर आप वेटिंग हॉल अवेलेबल है, जहाँ के चार्जेस आप यहाँ पर आराम से वेट कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन लेट है या जल्दी आ गई है यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार के बीच 10 से ज़्यादा ट्रेनें हैं जो कि आपको दिल्ली के अलग अलग स्टेशन से मिल जाएंगी, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, कई जगह से आपको ट्रेनें मिल जाएंगी, जिसके बारे में मैंने अलग से व्लॉग बना रखा है। उसमें आपकी एक्सप्रेस है, जनरल ट्रेन है, आपकी शताब्दी है, वंदे भारत है, उसके बारे में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि उनका फेयर क्या है, टाइमिंग क्या है, कौन कौन से कोचेस अवेलेबल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। जिस ट्रेन से मैं सफ़र करने वाला हूँ उस ट्रेन का नंबर है 14303। ये ट्रेन दिल्ली से चलकर हरिद्वार की ओर जाती है। इस ट्रेन का नाम है दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस। दिल्ली का कोड है DLI, जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 14 से शाम को आपको 5:45 पर मिलेगी, और करीब 6 घंटे जर्नी करने के बाद और 257 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हरिद्वार रात को 11:10 पर, जिसका कोड है HW, आपको उतारेगी। तो और फेयर की बात करें, ये जो है पूरी जनरल कोचेज़ है इसमें, और इसमें आप कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं। इसका जो फेयर की बात करें तो इसका फेयर है मात्र 95 रुपीज़। अपनी ट्रेन जो है किसी भी क्षण यहाँ पर पहुँचने वाली है, दिखा तो आपको आगे। सेकंड ऑप्शन है आपका दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने के लिए बस का। बस जो आपके दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट से मिल जाएंगी, जो कि सुबह 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आपको बस की सर्विस मिल जाएंगी। हर आधे घंटे बस सर्विस, जिसमें आपको UP रोडवेज और उत्तराखंड रोडवेज मिल जाएंगी। उसके फेयर की बात करें तो फेयर आपका लगेगा 365 रुपीज़, जो कि रोडवेज का। इसके अलावा आपको जनरल AC वोल्वोज वो भी बसेज मिल जाएंगी, जिसका फेयर जो आपको वहीं जाके आपको पता चल जाएगा, बाकी आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है बाय एयर का। हरिद्वार का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो आप बाय एयर भी जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपने ट्रेन किसी भी क्षण यहाँ पे पहुँचने वाली है, फिर अपना सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देख रहे अपनी ट्रेन खड़ी हुई है दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर है 14303, जो कि शाम को यहाँ से 5:45 पर चलती है दिल्ली से, और हरिद्वार रात को छोड़ेगी 11:10 पर। दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है वो भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये देख रहे हैं आप अपना हरिद्वार दिल्ली एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 14303, ये देख रहे हैं। तो चलिए अब आपको अंदर लेकर चलता हूँ। अंदर के आप कोचेस देख रहे हैं, सिंपल कोचेस हैं, आप ऊपर ही बैठ सकते हैं, नीचे ही बैठ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। साइड में चेयर्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे, देख रहे हैं। और ऊपर सामान रखने के लिए आप बैग वैग अपने ऊपर रख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप। पूरी जनरल ट्रेन है ये, इसमें आप किसी कोच में बैठ सकते हैं। ये वॉशरूम देख,
तो दोस्तों अपना सफ़र किसी भी समय शुरू होने वाला है और हम चलने वाले हैं हरि के द्वार हरिद्वार, भगवान शिव के द्वार हरिद्वार, माँ गंगा के द्वार हरिद्वार, दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस से दिखा तो आपको आगे का सफ़र। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। तो लीजिए अपना सफ़र शुरू हो चुका है दिल्ली से हरिद्वार का, हरि की नगरी हरिद्वार। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार, भगवान शिव की नगरी हरिद्वार, माँ गंगा की नगरी हरिद्वार, भगवान हरि के द्वार हरिद्वार। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। रास्ते का मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। बाकी दिल्ली से हरिद्वार तक जौन जौन सी ट्रेनें चलती है उसका मैंने अलग से ब्लॉग बना रखा है, उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कोई आपकी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स बताइएगा। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।